तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे टू वे कंटिन्यूस स्लैब। ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, ये फ्लोर प्लान है। इसमें क्या है कि हमारे ये जो तीन स्लैब हैं ये टू वे कंटिन्यूस स्लैब है, ठीक है। ये वन वे कंटिन्यूस स्लैब है। टू वे कंटिन्यूस स्लैब क्या होता है, जो बोथ साइड स्पैनिंग बोथ साइड, ठीक है। 230 mm का हमारा क्या है, सपोर्ट विथ है, ठीक है। 3.5 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है और यहाँ पे 6 मीटर की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, स्लैब वन टू और स्लैब वन, ये दोनों स्लैब सेम टाइप के होंगे, ये स्लैब इंटीरियर पैनल होगा, ठीक है। तो इसे पहले समझ लेते हैं ये क्या होता है। ओके, इसमें क्या है, ये वाली हमारी कंडीशन अराइज होगी। उसमें देखिए, ये जो फर्स्ट स्लैब है इसके चारों तरफ क्या है, टोटल 9 कंडीशंस होती हैं हमारी, ठीक है। तो ये हमारी पहली कंडीशन क्या कहती है कि सारे स्लैब्स ये कंटिन्यूस हैं, ठीक है। इधर भी स्लैब है, इधर भी स्लैब है, इधर भी है और इधर भी है, तो इसे हम इंटीरियर पैनल कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिज़ाइन डिफरेंटली होता है। फिर ये दोनों स्लैब क्या हो गए, इनमें क्या है, ये लॉन्गर स्पैन है, ये शॉर्टर स्पैन है, तो शॉर्टर स्पैन डिसकंटिन्यूस है, ऑल द एजेस आर कंटिन्यूस, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन बन गई। इसी तरीके से लॉन्गर स्पैन डिसकंटिन्यूस, तो ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन बन गई। यहाँ पे एडजेसेंट एजेस आर डिसकंटिन्यूस, तो ये फोर्थ टाइप ऑफ कंडीशन बन गई, ठीक है। तो हमारे इस वाले प्लान में क्या कंडीशन है, ये दोनों स्लैब सेम है जिसमें शॉर्टर एज डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, और ये इंटीरियर पैनल है क्योंकि यहाँ चारों तरफ स्लैब है। ओके, तो आइए शुरू कर लेते हैं। टू वे कंटिन्यूस स्लैब का हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम वन वाले स्लैब को हम डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम सेकंड स्लैब को, ठीक है, और उसके जो पैरेलल होगा वो सेम वन स्लैब होगा, ठीक है। मार्किंग कर दी वन स्लैब। ओके, 230 का स्पैन है वो, सपोर्ट विड्थ है, 3.5 मीटर शॉर्टर स्पैन है, एलेक्स जिसे हम बोलते हैं, और 6 मीटर हमारी ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है। ये गिवन डाटा हो गया। LY बाई LX हमने निकाला, 6 / 3.5, 1.714 आया। लेस देन 2 है तो टू वे स्लैब हो गया, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता तो वन वे स्लैब होता, ठीक है। ये कंडीशन हमारी होती है टू वे स्लैब को डिजाइन। लाइव लोड 3 kN/m² 875 पार्ट 2 में गिवन है, ठीक है। हमने जनरली स्लैब में रूम्स के लिए 3 kN/m² ले लेते हैं। M25 हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्क्रीट का ग्रेड, और Fe 415, ठीक है। FCK कितना हो जाएगा, 25 N/mm², और FY कितना हो जाएगा, 415 N/mm², सपोर्ट विथ 230 mm, ये हमारा गिवन डाटा है। तो हम स्टेप वाइज हम इसे डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द स्लैब। अब थिकनेस ऑफ द स्लैब हम कहाँ से निकालते हैं, क्लॉज नंबर 24.1, पेज नंबर 39, ठीक है। ओके, क्लॉज नंबर 24.1 पेज नंबर 39, ये क्या कहता है, फॉर सॉलिड स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन, यानी टू वे स्लैब की बात कर रहा है, द शॉर्टर ऑफ द टू स्पैन शुड बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। जो शॉर्टर स्पैन होगा, ठीक है, इस केस में क्या है, 3.5 मीटर शॉर्टर स्पैन है, वो हमेशा कैलकुलेशन के लिए यूज़ करनी है, ये हमेशा याद रखना। तो फॉर टू वे स्लैब शॉर्टर स्पैन अप टू 3.5 मीटर विद माइल्ड स्टील रीइन्फोर्समेंट, स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ, यानी एल बाई कैपिटल डी रेशियो, ठीक है, यहाँ पे गिवन है, फॉर द लोडिंग क्लास अप टू 3 kN/m². लोडिंग भी जो होनी चाहिए लाइव लोड, वो 3 kN/m² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एल बाई डी रेशियो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए क्या होगा, 35, ठीक है। यहाँ पे हमें कैपिटल डी निकाल रहे हैं ओवरऑल डेप्थ स्लैब की, ठीक है। कंटिन्यूस स्लैब के लिए 40 होगा, पर अगर यही चीज़ HYSD बार के लिए हम ले रहे हैं 415 जो कि हमारा यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यूज़ हैं 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा क्या है, कंटिन्यूस स्लैब है, 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो L बाई D रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, 32। तो स्पैन बाय ओवरऑल डेप्थ हमारा कितना हो गया, 32, ठीक है। ये क्लॉज नंबर 24.1 से आया, तो कैपिटल डी क्या आ गया हमारा, ठीक है, हमारा 3.5 मीटर था, ठीक है। तो mm में हम इसे कर लेंगे, 3500 / 32, तो ये वैल्यू आ गई 109.37, ठीक है। तो एज्यूम हमने क्या कर लिया, इससे थोड़ा सा बढ़ा के हमने राउंड ऑफ कर लिया, 110 mm ओवरऑल डेप्थ होगी, कैपिटल डी हमेशा ओवरऑल डेप्थ होती है, ठीक है। अब हमें स्लैब की, इस स्लैब की थिकनेस पता लग गई, ओवरऑल थिकनेस पता लग गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्मॉल डी यानी इफेक्टिव डेप्थ निकालनी है, तो क्या करना होता है,
हम बार डाया एज्यूम कर लेते हैं, सपोज हम 10 mm का एज्यूम कर लेते हैं, जनरली 10 mm का ही यूज़ करते हैं स्लैब में, ठीक है। क्लियर कवर 15 mm, IS 456 कहता है, 15 mm स्लैब के केस में, तो इफेक्टिव डेप्थ क्या आ जाएगी, ये कैपिटल डी है टोटल, ठीक है, ये हमारे रिइंफोर्समेंट हम प्लेस करते हैं, तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, कैपिटल डी में से क्लियर कवर माइनस जो बार का डाया है डी बाई टू, माइनस कर दोगे तो इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी, ठीक है। तो सेम डी माइनस क्लियर कवर माइनस डी बाई टू हमने किया, तो 90 mm हमारी क्या आ गई, इफेक्टिव डेप्थ आ गई, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने ओवरऑल इसकी डेप्थ निकाल ली जो कि हमारी कितनी आई है 110 mm, ठीक है, और इफेक्टिव डेप्थ कितनी आई है 90 mm, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, हमारा लोड निकालना, ठीक है, तो उसमें टोटल लोड कितना आएगा, ठीक है। एक तो हमारा टोटल लोड किसका होगा, स्लैब का टोटल वेट होगा, ठीक है, जो कैसे निकालते हैं, हमें पता है डेंसिटी ऑफ आरसीसी कितनी होती है, 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। जब भी डिज़ाइन करेंगे तो हम 1 मीटर का विड्थ मान लेंगे, जैसे ये हमारी स्लैब है, ठीक है, तो 1 मीटर का हमने विड्थ मान लिया, उसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे, तो ओवरऑल थिकनेस क्या हो गई, ओवरऑल थिकनेस जो हमने अभी निकाली थी 110 mm की, ठीक है। तो अब हमें स्लैब सेल्फ वेट निकालना है स्लैब का, तो बी इंटू डेंसिटी, डी इंटू डेंसिटी ऑफ आर सी सी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। विड्थ हमने कितनी ली है, अज्यूम करिए 1 मीटर की, कैपिटल डी हमने आप पिछले उसमें निकाल ही लिया 110 mm, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ स्लैब 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई किया 2.75 किलोन्यूटन पर मीटर, रनिंग मीटर में आ गया, ठीक है। लाइव लोड 3 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है, 1 मीटर विड्थ के लिए कर रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फ्लोर फिनिश, कुछ फ्लोर फिनिश भी होगा उसमें, उसका भी वेट होगा, तो वो हमने एज्यूम कर लिया 1 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इन तीनों को एडअप कर लेंगे तो हमारा टोटल लोड आ जाएगा स्लैब में कितना है, ठीक है। हम टोटल लोड क्यों निकाल रहे हैं, उसके बाद हमें मूवमेंट निकालना है, मूवमेंट से हमें AST मतलब अपना रिइंफोर्समेंट निकालना है कि कितना रिइंफोर्समेंट लगेगा इस स्लैब में, ठीक है। तो फैक्टर्ड, अच्छा टोटल लोड कितना आ गया, 6.75। अच्छा हमेशा हम डिज़ाइन के लिए फैक्टर्ड लोड लेते हैं, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड में हम डिज़ाइन करेंगे तो फैक्टर्ड लोड से ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, स्लैब के केस में, बीम के केस में या कॉलम के केस में, हम जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं। तो 1.5 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो इसका टोटल लोड कितना आ गया, फैक्टर्ड लोड 10.13 किलो न्यूटन पर मीटर, इसको हम डिज़ाइन करेंगे, इस लोड के लिए हम इस स्लैब को डिज़ाइन करेंगे। तो हमारा सेकेंड स्टेप भी क्या आ गया, फैक्टर्ड लोड हमने निकाल लिया स्लैब का 10.13 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब आ जाओ स्टेप 3, स्टेप 3 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव स्पैन, ठीक है, क्योंकि ये जो हमें स्पैन गिवन था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस गिवन थी 6 मीटर, और ये, ठीक है, ये जो प्लान में हमें गिवन है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 3.5 मीटर, ठीक है। तो हमें LE इफेक्टिव x डायरेक्शन में और LE इफेक्टिव y डायरेक्शन में निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये कंटिन्यूस स्लैब है, IS 456 का क्लॉज नंबर 22.A कहता है, इफ सपोर्ट विथ, जो सपोर्ट विथ है जो कि 230 mm हमारे केस में, अगर लेस देन है 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन, ठीक है, क्लियर स्पैन, देन फॉलो क्लोज क्लॉज नंबर 22.A, ठीक है। तो सपोर्ट विथ कितनी है हमारे केस में, 230 mm, हमने 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन निकाला। अच्छा क्लियर स्पैन कैसे निकालेंगे, देखो 3.5 मीटर है सेंटर टू सेंटर, ठीक है, हाफ 230 का हाफ इधर से माइनस किया, हाफ इधर से माइनस किया, यानी टोटल 230 माइनस किया, तो यहाँ पे ये हमारा क्लियर स्पैन निकल गया, 1/12 किया तो 272.50 mm आ गया। अच्छा अब सपोर्ट विथ हमारी इससे लेस देन है, ठीक है, तो यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो क्लॉज नंबर 22.2A हमें फॉलो करना है टू कैलकुलेट इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। अब देखिए, देन एज पर क्लॉज नंबर 22.A, जो ये 22.A क्या कहता है, इफेक्टिव स्पैन अगर हमें किसी भी डायरेक्शन यानी एल एक्स डायरेक्शन में निकालना है यानी शॉर्टर डायरेक्शन में, तो क्या होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट या सेकंड क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो हमें इफेक्टिव स्पैन लेना है, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो ये हमें गिवन ही था 3.5 मीटर, क्लियर स्पैन जैसे मैंने अभी बताया था 3.5 मीटर में से 230 इधर हाफ इधर से माइनस करो, 230 का आधा इधर से माइनस होगा, ठीक है, टोटल माइनस होगा, ठीक है, तो ये क्लियर स्पैन आ जाएगा प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ हमने कितनी निकाली थी 90 mm, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ कितनी थी 110 mm, और उसमें से माइनस करने के बाद 90 mm हमारी इफेक्टिव डेप्थ आई थी, ठीक है। तो क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ
3.36 मीटर आ रहा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 3.5 मीटर गिवन था, इन दोनों में से शॉर्टर कौन सा है, ये वाला। तो हमें इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव स्पैन इन एक्स डायरेक्शन क्या लेना होगा, 3.36 मीटर। ठीक है, अब आ जाओ इफेक्टिव स्पैन इन वाई डायरेक्शन, सेम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ 6 मीटर है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ 5.86 आया, तो इन दोनों में से शॉर्टर कौन सा है, 5.86 मीटर। ठीक है, तो हमारी एक्स डायरेक्शन में इफेक्टिव लेंथ आ गई और वाई डायरेक्शन में इफेक्टिव लेंथ आ गई। अब आ जाओ स्टेप फोर, स्टेप फोर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। ये हम फर्स्ट स्लैब को डिज़ाइन कर रहे हैं जो हमने मार्किंग वन किया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, चार तरीके के मूवमेंट आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट इन शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग एम एक्स, लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग एम वाई पॉजिटिव में, क्योंकि मिडिल में पॉजिटिव मूवमेंट आता है, और सपोर्ट्स पे क्या आता है, कंटिन्यूस स्लैब है, सपोर्ट पे क्या आएगा, नेगेटिव मूवमेंट आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे लोड पड़ेगा तो ये ऊपर के उठने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो माइनस एम वाई शॉर्टर स्पैन में आएगी और माइनस एम एक्स लॉन्गर स्पैन में आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों में कन्फ्यूज मत करना। जो माइनस एम वाई आएगी वो शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग आएगी और माइनस एम एक्स लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग आएगी। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें टेबल 26 देखनी पड़ेगी, IS-456 की। एल वाई बाई एल एक्स की हम रेशियो निकाल लेंगे, 5.86 आया है, ठीक है, और एल एक्स कितना आया, 3.36, इसे डिवाइड किया तो 1.74 आया। ठीक है, अब हमारा केस क्या है, जो हमने केस समझाया था, केस क्या है, शॉर्टर एज जो है ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो टेबल 26 हम देखेंगे, वन शॉर्ट एज इज डिसकंटिन्यूस, तो ये हमारा सेकंड वाला आ रहा है, वन शॉर्ट इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो इसमें हमारी 1.74 आ रही है, यानी 1.5 और 1.75 के बीच में आएगी, इंटरपोलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये अल्फा एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, और यहाँ पे लॉन्गर स्पैन के लिए अल्फा वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, एल वाई बाई एल एक्स कोफिशियंट निकालेंगे, अल्फा एक्स और अल्फा वाई, फिर हम फॉर्मूले में रखेंगे, जो कि क्या होता है, अल्फा एक्स डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर। तो हमें अल्फा एक्स चाहिए, अल्फा वाई चाहिए, माइनस अल्फा एक्स चाहिए और माइनस अल्फा वाई चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है इसमें, ये देखो, नेगेटिव मूवमेंट एट कंटिन्यूस एस, तो ये माइनस अल्फा एक्स की वैल्यू देगा। ठीक है, इन दोनों में से इंटरपोलेशन करके जो वैल्यू आएगी माइनस अल्फा एक्स की होगी, और इन दोनों में से इंटरपोलेशन करके आएगी पॉजिटिव मूवमेंट एट मिड स्पैन, यानी प्लस अल्फा एक्स की आएगी। ठीक है, और ये लॉन्गर स्पैन में, यानी अल्फा वाई की, माइनस अल्फा वाई की वैल्यू ये होगी और प्लस अल्फा वाई की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यहीं से वैल्यू उठाई है। ठीक है, 1.5 पे नेगेटिव एम एक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, 1.5 पे टेबल में वैल्यू है 0.5057, और 1.75 पे क्या है, 0.064। तो इंटरपोलेशन करेंगे, हमें क्या चाहिए, 1.74 पे चाहिए। तो इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, इस वैल्यू से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 1.5 पे इतनी है, तो इससे ज़्यादा ही होगा, तो इससे प्लस करेंगे। ठीक है, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 1. दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई में दिस माइनस दिस। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी ये आएगी नेगेटिव मूवमेंट माइनस माइनस अल्फा एक्स की। ठीक है, माइनस 0.064। ओके, सेम इसी तरीके से पॉजिटिव मूवमेंट हम निकाल लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट में प्लस अल्फा एक्स की वैल्यू कोफिशिएंट निकाल लेंगे, 1.5 और 1.75 पे हमने यहाँ नोट डाउन कर ली। ठीक है, 1.74 पे हमें निकालनी है। ठीक है, इंटरपोलेशन करके, ठीक है, 0.448 आ जाएगा। ठीक है, लॉन्गर स्पैन में कोफिशियंट फॉर ऑल एल वाई बाई एल एक्स, वहाँ पे हमने देखा था कि प्लस अल्फा एक्स की डायरेक्ट, उसमें इंटरपोलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें प्लस अल्फा वाई और माइनस अल्फा वाई की वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है। अब इन वैल्यूज़ को हम निकाल के क्या फ़ायदा है, हमें सिंपली अपने फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, हमें चार मूवमेंट निकालने हैं, माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो हमने कोफिशियंट की वैल्यूज़ निकाली है, ठीक है, वो यहाँ पे हम रखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस अल्फा एक्स डब्ल्यू यू एल इफेक्टिव एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमेशा शॉर्टर स्पैन ही लेना है। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन लेना है शॉर्टर डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज रखी, लोड हमने क्या है, डिज़ाइन लोड लिया, फैक्टर्ड लोड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, माइनस अल्फा एक्स डब्ल्यू यू इंटू एल इफेक्टिव इन एक्स डायरेक्शन में होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गई, -7.30 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, किलोमीटर मीटर में आएगा। ऐसे ही एम एक्स आ गया, प्लस अल्फा एक्स जो हमने ऊपर निकाला है, ठीक है, इस वैल्यू में हमने फॉर्मूले में रखा है, 5.48 आ गया। ठीक है, किलोमीटर मीटर,
माइनस एम वाई में माइनस अल्फा वाई की वैल्यू रखी, ठीक है, सेम अल्फा एल एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस माइनस 4.23 किलोमीटर मीटर आ गया और 3.20 किलोमीटर मीटर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके से हम वन वाले स्लैब को डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वन वाले स्लैब को हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं अभी ये नीचे, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। प्लस एम एक्स एल एक्स के अलॉन्ग 5.48 आया है, ठीक है, प्लस एम वाई 3.20 आया है, ठीक है, माइनस एम वाई, माइनस एम वाई शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, और माइनस एम एक्स लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस 7.30 माइनस एम एक्स आया, ठीक है, और माइनस एम वाई माइनस 4.23। इसी तरीके से हम जब सेकंड स्लैब करेंगे तो उसकी वैल्यूज़ भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो इन दोनों में से ग्रेटर होगा, क्योंकि इधर से भी एक आएगा माइनस एम वाई, इधर से भी एक आएगा, जो इन दोनों में से ग्रेटर होगा उसके लिए हम यहाँ पे रीइन्फोर्समेंट डालेंगे, कहाँ पे, सपोर्ट पे, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे ये वैल्यूज लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्लैब टू, जो स्लैब टू है कंटिन्यूस है ऑल फोर एजेस से, ठीक है, तो इंटीरियर पैनल भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे टेबल 26 में, ठीक है, स्लैब टू के लिए हम देख लेते हैं इंटीरियर पैनल, ठीक है। इसी तरीके से 1.74 रहेगी एल वाई बाई एल एक्स जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं, तो इन दोनों के बीच जो आएगी इंटरपोलेशन करके ऐसी, ये नेगेटिव है तो माइनस अल्फा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसमें प्लस अल्फा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा एक्स देगा ये, ठीक है। और लॉन्गर स्पैन में जो कोफिशियंट होता है वो अल्फा वाई होता है, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव मोमेंट है कंटिन्यूस एज, कंटिन्यूस एज पे नेगेटिव मोमेंट होता है, तो माइनस का ये 0.032 हो जाएगा और ये प्लस का 0.024 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ सेम रहेगी ऑल वैल्यूज़ ऑफ एल वाई बाई एल एक्स के लिए, ठीक है, केवल अल्फा एक्स की वैल्यू को डिफरेंट होती है, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एल वाई बाई एल एक्स, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। हमें सबसे पहले हमें अपना देखना है कि हमारा केस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हमें अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई या माइनस अल्फा वाई की वैल्यू निकालनी है इस टेबल से, ठीक है। अब स्लैब टू को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो स्लैब टू को डिज़ाइन करने से पहले हमें क्या चाहिए, कोफिशेंट, ये हमने इंटरपोलेशन के थ्रू निकाल लिए, माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई, वैल्यूज रखी हमने फॉर्मूले में, ठीक है, अल्फा एक्स डब्ल्यू यू एल एक्स स्क्वायर, डब्ल्यू यू डिज़ाइन लोड, अल्फा एक्स कोफिशेंट इन नेगेटिव मिक्स डायरेक्शन और शॉर्टर स्पैन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज़ आई माइनस एम एक्स की, स्लैब टू की बात हो रही है, प्लस एम एक्स की वैल्यू ये आई, माइनस एम वाई की वैल्यू ये आई और प्लस एम वाई की वैल्यू ये आई, ठीक है। अब आ जाओ स्टेप फाइव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डेप्थ के लिए चेक करेंगे। डेप्थ के लिए चेक करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है एम यू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.138, क्योंकि एफ ई 415 है, तो यहाँ पे 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर होता है। यहाँ से क्या है, हमें डी रिक्वायर्ड निकालना है, ये जो डी आएगा, अच्छा इसमें जो ये मूवमेंट लेंगे एम यू लिमिटिंग के अलॉन्ग जो मूवमेंट लेंगे वो जो सबसे मैक्सिमम मूवमेंट आएगा, ठीक है, स्लैब टू में ये मूवमेंट्स आए, ठीक है, और स्लैब वन में हमारे मूवमेंट्स थे, ठीक है, ये मूवमेंट्स थे चार, तो जो सबसे मैक्सिमम मूवमेंट होगा, मैक्सिमम मूवमेंट क्या रहा है 7.30, तो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है, ठीक है। ये सारे मूवमेंट्स, इन सब में से मूवमेंट में सबसे जो मैक्सिमम होगा उसके अकॉर्डिंग हमें डी रिक्वायर्ड निकालना है, ठीक है। तो डी रिक्वायर्ड कितना आ गया, यहाँ पे हमने वैल्यूज रखी 0.138, एफ सी के कितना 25, डी हम कितना ले रहे हैं 1 मीटर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो 1000 हो गया, ठीक है, डी रिक्वायर्ड 46 आया, डी प्रोवाइडेड हमने कितना किया 90 mm, तो डी प्रोवाइडेड जो है, जो हमने प्रोवाइड किया है वो डी रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, तो यानी कि हमारा डिज़ाइन ओके है, तो जो डेप्थ है सही चल रहा है हमारा, ठीक है। अब आ जाओ स्टेप सिक्स, अब स्टेप सिक्स में अब आया हम मेन रीइन्फोर्समेंट कैलकुलेट करना है। हमने मूवमेंट्स तो कैलकुलेट कर लिए, अब हमें मेन रीइन्फोर्समेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टू इज कंटिन्यूस स्लैब में क्या होता है कि हमें इसे डिवाइड करना होता है मिडल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप में, ठीक है। टू एज कंटिन्यूस स्लैब का एक मिडल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप में डिवाइड करना था, और इसे डिवाइड कैसे करते हैं उसी में हम रीइन्फोर्समेंट प्लेस करेंगे, ठीक है। तो जो पॉजिटिव मिडल रीइन्फोर्समेंट आएगी इसे हम बोलते हैं मिडल स्ट्रिप। मिडल स्ट्रिप कैसे डिफाइन होता है, जो लॉन्गर स्पैन एल वाई है, ठीक है, इसका 3/4 एल वाई करोगे तो ये मिडिल स्ट्रिप बन गई अलॉन्ग एल वाई डायरेक्शन में। तो इसमें जो रीइन्फोर्समेंट प्लेस होगा वो अलॉन्ग एल एक्स होगा, ध्यान से सुनना इसे, ठीक है। और अगर ये शॉर्टर स्पैन है इसका 3/4 ऑफ एल एक्स में अलॉन्ग जो लॉन्गर स्पैन पॉजिटिव मूवमेंट के लिए हम रीइन्फोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे और जो यहाँ प्लेस करेंगे वो
3/4 ऑफ एलेक्स में होगा। ठीक है, तो ये हमारा मिडिल स्ट्रिप होता है और ये जो बच गया ये एच स्ट्रिप होगा, इसमें हम मिनिमम रिइंफोर्समेंट डालते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एम एक्स कहाँ है, एल एक्स के अलॉन्ग एम एक्स होता है यानी मूवमेंट, इसी के अलॉन्ग हम क्या करेंगे रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे और इधर प्लेस करेंगे इस तरीके से इसके पैरेलल। एम वाई क्या होगा, इसके अलॉन्ग, तो इसके अलॉन्ग करेंगे, बट करेंगे कैसे, मिडिल स्ट्रिप में करेंगे। ठीक है, तो मेन रिइंफोर्समेंट स्लैब वन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मेन रिइंफोर्समेंट इन मिडिल स्ट्रिप अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन। ठीक है, तो एम एक्स हमने कैलकुलेट किया था, वहीं से हम वैल्यू उठाएंगे एम एक्स की। स्लैब वन के लिए 5.48 आई थी, डी एक्स कितना था हमारा 90 mm। ठीक है, तो पी टी परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी, इस ये फॉर्मूला होता है 50 FCK/FY, ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 50 FCK परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के लिए 50 FCK/FY ब्रैकेट 1 - √1 - 4.6 mmx, जो भी यहाँ पे मूवमेंट होगा, अपॉन में FCK BDX का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी। ठीक है, FCK पता है, FY पता है, ये हमें सब पता है, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आ गया, 0.19% आ गया। ठीक है, तो AST रिक्वायर्ड हम निकाल लेंगे। AST रिक्वायर्ड हम निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील PT B × DX/100, ये फॉर्मूला होगा PT B × D/100। ठीक है, ये वाला हमने फॉर्मूला लगाया तो AST रिक्वायर्ड कितना आ गया, रिक्वायर्ड AST आ गया 174 mm². ठीक है, ये ध्यान रखना 174 mm² आया। तो एज्यूम हमने बार डाया, हम कहते हैं हम डाया हम एज्यूम करते हैं 8 mm का हम डाल रहे हैं। ठीक है, अपने स्लैब में, स्लैब वन में, तो एज्यूम हमने बार डाया, हमने एज्यूम कर लिया स्लैब वन के लिए 8 mm का। ठीक है, तो AST कितना आ गया, 5/4 8² इतना AST आ गया 8 mm का। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील कितना आ गया इतना। ठीक है, रिक्वायर्ड स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, जो हमारा AST होता है एज्यूम बार डाया का, ठीक है, डिवाइडेड बाय AST रिक्वायर्ड, ठीक है, इंटू 1000, क्योंकि 1 मीटर में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है स्पेसिंग रिक्वायर्ड के लिए। ठीक है, तो कितनी आ गई, 288 mm आ गई। अब क्या है, स्पेसिंग के रूल्स होते हैं, IS 456 क्लॉज 26.3.3 कहता है। ठीक है, अगर जो अभी हम स्टील प्रोवाइड करेंगे वो 3D यानी इफेक्टिव डेप्थ 300 mm और स्पेसिंग जो हमारी यहाँ से कैलकुलेट करके आई है, ठीक है, इन तीनों में से लेसर होना चाहिए, स्पेसिंग कम से कम प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिंग ही डिसाइड करती है कितना एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3D 300 mm स्पेसिंग रिक्वायर्ड, इन तीनों में से सबसे स्मॉलर है 270 mm। ठीक है, तो हम इससे भी थोड़ा सा नॉमिनल राउंड ऑफ करके 250 mm हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो प्रोवाइड 8 mm एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर। तो AST प्रोवाइडेड क्या हो गया, सेम वही फॉर्मूला, AST अपॉन अब स्पेसिंग जो हमने प्रोवाइड करी है, प्रोवाइड क्या करी है 250 mm प्रोवाइड करिए 1000, इसे इस फॉर्मूले में रखेंगे तो AST प्रोवाइडेड हमारा 201 mm² हो गया। ठीक है, AST रिक्वायर्ड कितना था 174 mm², प्रोवाइड कितनी करी 200 mm², हमेशा ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ मेन रिइंफोर्समेंट अलॉन्ग LY लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग। ठीक है, जो रिइंफोर्समेंट डलेगी, अब इसमें कुछ नहीं होगा, जो हमारा MY निकला था पिछले, जो हमने टेबल 26 से MY की वैल्यू कैलकुलेट करी थी 3.20 km³ आए थे। ठीक है, चेंज किस में आएगा, DY में आएगा, मतलब इफेक्टिव डेप्थ इन वाई डायरेक्शन। वो क्या होगा, जो DX था, क्योंकि मेन रिइंफोर्समेंट हम नीचे डालते हैं, ठीक है, जब हमने ये प्लेस कर दिया तो उसके ऊपर क्या आएगा हमारा जो ये LY डायरेक्शन में रिइंफोर्समेंट है, तो DX हमारा अगर 90 था तो एक बार का डाया यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो DY क्या आएगा, 90 माइनस जो हमने डाया प्रोवाइड किया 8 mm का किया, तो यहाँ पे 82 mm आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील हमने वही फॉर्मूले से कैलकुलेट करी, कितनी आई 0.13% आई। ठीक है, इस मूवमेंट के अलॉन्ग में 0.13% हमारी परसेंटेज ऑफ स्टील आई। ठीक है, तो AST रिक्वायर्ड हमारा वही फॉर्मूला लगाया PT B × D/100। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूले से 110 mm² आया, तो हमने यहाँ पे सेम उसी फॉर्मूले से हमने 8 mm का 250 mm सेंटर टू सेंटर वाई डायरेक्शन में भी सेम आया। ठीक है, तो AST प्रोवाइडेड कितना हो गया 201 mm², सेम फॉर्मूले से। रिइंफोर्समेंट ओवर कंटिन्यूस एज, ठीक है, रिइंफोर्समेंट ओवर कंटिन्यूस एच ऑफ द बीम अलॉन्ग LX, ये LX है, इसके अलॉन्ग जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव का MY, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और अलॉन्ग LY क्या होगा, नेगेटिव का MX, तो जो नेगेटिव MY की वैल्यू आई थी कितनी आई थी, सॉरी नेगेटिव MX की वैल्यू आई थी
ये कहाँ होगा, अलोंग द शॉर्टर स्पैन, मतलब इसके अलोंग मतलब पैरेलल, और प्लेस कहाँ होगा, लॉन्गर एज के, ठीक है। तो एम एक्स नेगेटिव में ये पीटी परसेंटेज ये आ गया, ए एस टी रिक्वायर्ड इतना आया, ठीक है। तो हमने 8 mm 200 mm पे प्रोवाइड कर दिया, तो ए एस टी प्रोवाइडेड कितना हो गया, 251.2 mm², ठीक है। तो हमें प्रोवाइड कहाँ करना है, अलोंग एल एक्स, ठीक है, एम एक्स प्रोवाइड करेंगे नेगेटिव के। रिइंफोर्समेंट ओवर कंटिन्यूस एज अलोंग स्पैन एल वाई, एल वाई के अलोंग मतलब एल वाई के पैरल पैरल हमें नेगेटिव एम वाई प्रोड्यूस, नेगेटिव एम वाई इतना है, परसेंटेज ऑफ स्टील 0.18% आया, फॉर्मूले में लगा के ए एस टी रिक्वायर्ड इतना हुआ, प्रोवाइड हमने 8 mm 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये फॉर्मूले में इनपुट करोगे तो सारे फॉर्मूले लगाओगे तो ये आएगा, ठीक है। अब आ जाओ स्लैब टू में, स्लैब टू में हमने एम एक्स एम वाई माइनस एम एक्स प्लस एम वाई ये चार मूवमेंट्स हमने निकाल ही लिए थे, यही सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे फॉर्मूले में, रखेंगे कौन से वाले फॉर्मूले में, ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ स्टील के, परसेंटेज ऑफ स्टील के इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से स्लैब टू में भी क्या आ गया, प्लस एम एक्स मिडिल स्ट्रिप में, ठीक है, प्लस एम वाई मिडिल स्ट्रिप में, ठीक है, माइनस एम एक्स अलॉन्ग एल एक्स, ठीक है, माइनस एम वाई अलॉन्ग एल वाई, ठीक है। अब आ जाओ रीइन्फोर्समेंट इन एच स्ट्रिप, अब मैंने बताया था एच स्ट्रिप होती है मिडिल स्ट्रिप होती है, ठीक है। तो एच स्ट्रिप क्या होती है, एल वाई बाय एल एक्स बाय एट, ठीक है, यहाँ पे एल वाई बाय एट, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना ये एल वाई है ये एल एक्स है, मिनिमम रीइन्फोर्समेंट डालेंगे इसमें पॉइंट एच वाई एस डी बार है तो 0.12% बी इंटू डी, ये मिनिमम रीइन्फोर्समेंट होता है, ठीक है। ये निकाला हमने ए एस टी रिक्वायर्ड कितना आ गया, 132 mm², बार डाया हमने 8 mm एज्यूम किया, तो ए एस टी कितना आ गया, 5/4 d² से इतना आ गया, नंबर ऑफ बार्स कितना आ गए, ए एस टी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई ए एस टी स्मॉल ए एस टी, ठीक है। तो नंबर ऑफ बार्स कितना आ गया, 2.63, हमने 3 नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ टॉर्जन, क्योंकि ये फ्री टू लिफ्ट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि हेल्ड डाउन नहीं, ठीक है, तो फ्री टू लिफ्ट है, तो यहाँ पे हमें टॉर्जन के लिए कॉर्नर्स में रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, उसे हम टॉर्जन रीइन्फोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। तो टॉर्जन रीइन्फोर्समेंट कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट्स के लिए। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, जो हमारा कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर ये कॉर्नर एज होता, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती, 3/4 ऑफ ए एस टी मैक्स रिक्वायर्ड, जो ए एस टी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है स्लैब वन के मिडल में, उसका 3/4 ऑफ ए एस टी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा एज अ टॉर्जन रीइन्फोर्समेंट, ठीक है। और हमारी कंडीशन ये वाली अराइज हो रही है, क्योंकि देखिए ये वाली कंडीशन अराइज हो रही है कि ये डिसकंटिन्यूस है इधर, ठीक है, ये तो टू वे नहीं है, ये वन वे स्लैब है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3/8 ऑफ ए एस टी रिक्वायर्ड, जो ए एस टी हमने यहाँ पे वन में प्रोवाइड किया है मिडिल में, ठीक है, इनमें से जो मैक्सिमम होगा मिडिल में, मिडिल स्ट्रिप में, वो उसका हमें 3/8 यहाँ पे ए एस टी प्रोवाइड करना होगा। और कैसे प्रोवाइड करना होगा, एल एक्स बाई फाइव जो शॉर्टर स्पैन है यानी कि 3.5 मीटर, उसका 1/5 डिस्टेंस में हमें प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो रीइन्फोर्समेंट ये 3/4 किसके लिए है, जब हमारा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो 6 mm का हमने डाया एज्यूम किया, फिर ये आया तो स्पेसिंग रिक्वायर्ड ये आया तो ये आया 6 mm एट द रेट 200 mm, बट हमारी ये वाली कंडीशन नहीं है, हमारी ये वाली है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं, इसके लिए हमें एल एक्स बाई फाइव तो सेम, ठीक है, एल एक्स कितना था, एल एक्स मतलब इफेक्टिव स्पैन इन एक्स डायरेक्शन, 3360 डिवाइड बाई फाइव, तो ये आया, तो हमने 680 ले लिया, ठीक है। टॉर्जन इन्फोर्समेंट एक्सट्रीम मैच कंटिन्यूस सपोर्ट, जो हमारी कंडीशन है, ठीक है, हमारी कंडीशन यही है, हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमें 3/8 ऑफ ए एस टी, अब 3/8 ऑफ ए एस टी, ए एस टी मैक्स कितना था, 174 रिक्वायर्ड था, तो हमने 3/8 इसका किया, तो ये एम एम स्क्वायर आया, ठीक है। स्पेसिंग 6 mm का डाया हमने किया, तो इसमें स्पेसिंग अगर निकालनी है तो इसका एरिया 5/4 d² डिवाइड बाय दिस एरिया इंटू 1000, क्योंकि 1 मीटर में हम प्रोवाइड करेंगे, 1 मीटर ही लेते हैं जनरली, 433 आया, तो ये बहुत ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, 6 mm एट द रेट 250 mm पे ले लिया, एल एक्स बाई फाइव सेम 672 आया, 680 एज्यूम कर लिया, ठीक है। डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, डिफ्लेक्शन चेक में क्या होता है, पीटी प्रोवाइडेड जो हमने परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड किया है, ठीक है, ए एस टी प्रोवाइड डिवाइड बाई बी इंटू डी इंटू 100, ए एस टी प्रोवाइड देखो 174 था, पर हमने प्रोवाइड क्या किया था, ज़्यादा किया था, 201 प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आ गया, 0.223, ठीक है। एफ एस स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है, 0.58 FY ए एस टी रिक्वायर्ड अपॉन ए एस टी प्रोवाइडेड,
तो ए एस टी रिक्वायर्ड कितनी थी, 174, हमने प्रोवाइड की थी इतना, तो ये आ गया 208.65। ठीक है, तो अब हम मॉडिफिकेशन फैक्टर कहाँ से निकालेंगे? देखो मॉडिफिकेशन फैक्टर कहाँ से निकालेंगे, हमारी कितना है 0.223। ठीक है, ये फिगर फोर से निकालेंगे, 0.223 यहाँ पे कहीं आया, और कितना आ रहा है 208। तो 208 ये हम लेंगे, यहाँ कहीं लेंगे, तो ये हमारी कितनी आ गई, 1.9 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं 1.9 आ रहा है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर हमने ले लिया, तो एल बाई डी मैक्स निकाल लिया। अच्छा, कंटिन्यूस स्लैब है तो हमें पता है एल बाई डी मैक्स 26 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर होता है। सिंपली सपोर्टेड होता तो यहाँ पे 20 होता, और अगर कैंटिलीवर स्लैब होता तो यहाँ पे 7 होता। ठीक है, IS 456 में लिया, ये वैल्यू आ गई 49.4, और एल बाई डी प्रोवाइडेड कितना हो गया, ये वैल्यू डिवाइड बाई 90। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, शॉर्टर स्पैन लेंगे हमेशा, एल स्पैन मतलब 3500, डी हमने क्या प्रोवाइड किया है 90 mm, तो ये कितना है 38.89। अच्छा, ये एल बाई डी मैक्स अगर एल बाई डी प्रोवाइडेड से बड़ा है तो यानी कि डिफ्लेक्शन में ये ओके है। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट जो हम डिटेलिंग इसकी करेंगे। डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना। डिटेलिंग में हम स्लैब वन, सेम जो स्लैब वन में रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया है वैसी सेम इधर भी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्लैब सेम है, दोनों की कंडीशन सेम है। स्लैब टू क्या है, इंटीरियर पैनल है, इसकी कंडीशन डिफरेंट है जो हमने डिज़ाइन किया है। स्लैब वन देख लीजिए, स्लैब वन में हमने आपको बताया था मिडिल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप होती है। ठीक है, मिडिल स्ट्रिप में अगर हम अलोंग एलएक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यानी एमएक्स वाली स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या लेना है, 3/4 LY लेना है। ठीक है, 3/4 LY, LY कितना है, ये क्लियर स्पैन LY का 5860। ठीक है, हमारा टोटल क्या था 6 मीटर, 230 इसमें से माइनस कर दिया तो 5860, ऐसे ही इधर 3360, क्योंकि 3.5 क्या था, क्लियर स्पैन। अच्छा, तो एच स्ट्रिप कितना आएगा, LX/8, यहाँ पे LY/8, LY/8। ठीक है, इस तरीके से हमें रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। अब आ जाओ, रीइन्फोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करनी है। ओके, MX के अकॉर्डिंग, ठीक है, LX हमें प्रोवाइड करनी है, तो ये क्या आएगी, 8 mm, 250 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, Y में ये प्रोवाइड करनी है, अच्छा ये जो मिडिल रीइन्फोर्समेंट है इस वाले एरिया में प्रोवाइड करनी है, और ये यहाँ पे जाएगी, दूसरा वाला सपोर्ट तक जाएगा, फिर यहाँ पे कटेल होगा, दूसरा वाला कटेल इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट कम होता है, पॉजिटिव मूवमेंट होगा, फिर नेगेटिव मूवमेंट के लिए हम ये एक्स्ट्रा स्टील डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 mm, 250 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, बोथ साइड आप पीछे देख लीजिएगा कितना हमने निकाला, ये हमने प्रोवाइड करना बता रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ ये एजेस पे, कंटिन्यूस एजेस पे, यहाँ पे ये डाला है -MX के लिए डाला है। ठीक है, -MX में हमारा जो आ रहा था 8 mm, 200 mm सेंटर टू सेंटर आ रहा था, तो ये ब्लैक वाला जो है ये टॉप स्टील है। ठीक है, ये नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट के लिए डाला है। इसी तरीके से -MY नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट के लिए, तो ये वाला जो क्या है, ब्लैक वाला जो है आपका क्या है, 8 mm, 300 mm सेंटर टू सेंटर। इन दोनों में से जो -MX, क्योंकि एक इधर से आएगा -MX, एक इधर से आएगा, जो ग्रेटर होगा उसके लिए हम स्टील डालेंगे। ठीक है, जो ग्रेटर होगा उसके लिए हम स्टील निकालेंगे और यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हमने टॉर्जन के लिए देख ही लिया। ठीक है, टॉर्जन के लिए 6 mm का हमने डाला है, 6 mm, 250 mm एट द रेट बोथ वेज। ठीक है, और डिस्टेंस कितने पे डालेंगे, LX/5 पे। अब जो स्लैब टू पे क्या है, जो अलोंग LX है, यानी कि प्लस पॉजिटिव मूवमेंट डालते हैं, कहाँ पे, मिडिल स्ट्रिप में, तो पॉजिटिव मूवमेंट के लिए जो हमने स्टील डाली है वो क्या, 8 mm, 250 mm सेंटर टू सेंटर, ऐसी वाई डायरेक्शन में डाली है। ठीक है, और एज स्ट्रिप पे डाली है 8 mm, 200 mm, ये नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, इसी का अगर हम सेक्शन काटेंगे AA, तो सेक्शन में हमें इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, सेक्शन में कैसे दिखेगा, ये हमारी LY है। ठीक है, ये हमने ऐसे काटा है। ठीक है, तो LY दिखेगा, ये जो ये मेन इन्फोर्समेंट बॉटम में 8 mm, 250 mm सेंटर टू सेंटर, ये इसके ऊपर गई वाई डायरेक्शन में। ठीक है, ये अलॉन्ग LX जा रहा है ये पॉइंट वाला, और ये अलॉन्ग LY जा रहा है 8 mm, 250 mm सेंटर टू सेंटर। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये टॉप में स्टील ले रही है 8 mm, 500 सेंटर टू सेंटर, क्योंकि इसके डबल हो जाएगी, जैसे यहाँ पे, क्योंकि ऑल्टरनेट पे क्रैंक होता है। ठीक है, ऑल्टरनेट पे जाएगा तो ये 500 सेंटर टू सेंटर हो गया। डिस्टेंस कितना लगेगा, सपोर्ट से ये जो कटेलमेंट होगी 0.1 LY, जो ये LY है इसका 0.1 LY डिस्टेंस तक ये जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये रीइन्फोर्समेंट आई, ये ब्लैक वाली जो रीइन्फोर्समेंट है, ये
कितना जाएगा इस सपोर्ट से, ये जो सपोर्ट है हमारा, ठीक है, इंटरमीडिएट सपोर्ट है, इसका 0.3 ly इधर जाएगा, 0.3 ly इधर जाएगा, ठीक है, इस सपोर्ट के फेस से 0.3 ly इधर जाएगा और 0.3 ly इधर जाएगा, तो 8 mm एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर इस तरीके से हम प्लेस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये टू वे कंटिन्यूस स्लैब हमने डिज़ाइन किया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।